भरोसा है तो चिंता नहीं, ये दोनों कभी एक साथ हो नहीं सकता। मुंह भी फूले और ठहाके भी लगे, संभव नहीं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे। चकाचक हो चल रहा होगा सबका, मेरा भी चकाचक चल रहा है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट तो कर ही चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:30, और 8:30 बजे निमिक पापा सब चले गए और अब जा रहे हैं, कुछ बनाएंगे खाना। तो आज खाना में हल्का ही बनाएंगे क्योंकि आज लगाना है बालों में मेहंदी, और बाल में जिस दिन मेहंदी लगाते हैं उस दिन आउटी काम कुछ कर लेते हैं ताकि जितना देर में ये सूखे उतना देर में मेरा काम भी निपट जाए। तो बस चलिए, बोलना भूल जाती हूँ, हर वीडियो में बोलना भूल जाती हूँ। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम मेहंदी फूलने के लिए दे दिए थे रात में ही, और यहाँ पे सब मिला के भी इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब तक ये फूलेगा तब तक चलिए एक अच्छे से सुविचार को सुन लेते हैं। जब किसी ने क्या ठीक ही कहा है, जब दिमाग हमारा कमज़ोर होता है तो परिस्थिति ही समस्या बन जाती है, लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थिति ही अवसर बन जाती है। अब ये हमारे खुद के ऊपर ही निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों से समस्या उत्पन्न करें या फिर उससे अवसर ढूंढ लें। तो फ्रेंड्स, ये तो बात सही है ना। तो यहाँ पे मेरा सारा काम धाम सुबह का हो गया था, और सुबह का सारा काम धाम करने के बाद ही हम रसोई की साफ़ सफाई करेंगे, तो नाश्ता करने के बाद ही, क्योंकि अपने आप को भी तो ऊर्जावान रखना है, और खाएंगे नहीं तो फिर ये ऊर्जा शक्ति मिलेगा कहाँ से, तो फिर काम कहाँ से कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो बस यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के बाद, और मेहंदी भी अच्छा खासा फूल गया था, तो ये सब है ना, ऐसा प्लानिंग चलते रहता है कि जिस दिन हम मेहंदी लगाएंगे, जिस दिन ये सब काम रहेगा उस दिन क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम निपटाना है। तो ये सब तो हमारे प्लानिंग में ही चलता है। हम महिलाएं ऐसा सोच के चलती हैं, ऐसा प्लान करके चलती हैं ताकि उसी हिसाब से घर के काम को भी निपटा सकें। तो यहाँ पर मेहंदी लग गया था, और मेहंदी जब तक हमारा सूखेगा तब तक हम बहुत सारा काम आज निपटाने वाले हैं। मतलब ये रसोई की पूरा कोना कोना सफाई करेंगे, अच्छे से गहरी सफाई करेंगे। होली में तो वैसे हुआ ही था, लेकिन फिर 8 दिन पे, 10 दिन पे या फिर 15 दिन पे अगर ये सब ना करो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर चीट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, खट्टा मट्ठा था तो इसको हम कढ़ाई में डाल के छोड़ दिए, इसका जो काला काला है ना, सारा खट्टापन से इसका छूट जाएगा। खट्टा मट्ठा रहता है या फिर नींबू रहता है तो वो सबको हम कढ़ाई में, लोहे के कढ़ाई को मैज देते हैं, तावा हो गया, कढ़ाई हो गया, तो अच्छा साफ हो जाता है। और यहाँ सूखा हुआ फूल गोभी जो सुखाए थे ना बरसात के लिए, उसको हम रख दे रहे हैं। और यहाँ जितना भी डब्बा है चिटचिटा जो लग रहा था मुझे, सबको हम उतार उतार के उसको सबको क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता जिस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो। घर के तो जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, हॉल हैं, सबकी साफ़ सफाई डेली होती ही है, लेकिन रसोई की भी सफाई कम से कम तो महीने में एक दिन गहराई से करनी ही चाहिए, और हर महिला को ही अपने रसोई की सफाई करनी चाहिए, और हर महिला करती भी हैं। और अपने रसोई को सुव्यवस्थित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, बरकत बनी रहेगी। और ये किचन की सफाई जो होता है ना, ये माता अन्नपूर्णा का वास होता है रसोई में, ऐसा माना जाता है। तो रसोई में ये नहीं है कि बस खाना बनाया और बस उसके बाद बस हो गया, बस जितना डेली करते हैं, तो डेली तो रोज़ का तो होता ही है, हम चूल्हा साफ़ करते हैं, ऐसे करते हैं, तो बस वो तो सब होता ही है, लेकिन महीने में एक दिन या फिर 15 दिन पे ज़रूर सफाई करनी चाहिए। और यहाँ नींबू जो हम निचोड़े थे ना मेहंदी में, वो नींबू और नमक और खाने वाला जो सोडा होता है, खाने वाला मीठा सोडा, बस डाल देते हैं। और हाथ भी देखिए, और इसको पीस लिए अच्छे से, और इसमें डालेंगे ये वाला, हम नया लिए थे, नया क्या लिए थे, ये हार्पिक जो आता है ना ब्लू वाला, वो ब्लू वाला के साथ ये फ्री दिया था, तो इसको हम डाल के आज इसमें करेंगे सफाई। ऐसे तो हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं, वैसे ये हो गया, कभी शैम्पू डाल दिए, तो कभी ये बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है उसको डाल देते हैं, भीम का जो लिक्विड आता है ना उसको डाल देते हैं, तो इससे बहुत अच्छा साफ होता है। लेकिन इस बार हम ये फ्लोर क्लीनर था,
जो फर्श साफ करते हैं उससे, तो उसको हम डाल दिए हैं। देख रहे थे कि इससे भी होता है कि नहीं। और अभी नींबू का जो खुशबू आ रहा है ना, तो पूरा मतलब रसोई एकदम सुगंधित हो गया है। इतना अच्छा स्मेल आ रहा है नींबू का, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। साफ भी कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जब रसोई साफ करो, रसोई साफ़ करने का अगर वीडियो आप लोग किसी का देख रहे हो तो मन करता है कि अपना भी रसोई जाके हम चकचका के साफ़ कर ही दें। हम महिला सबको लगता है, जितनी भी महिलाएं हैं सबको लगता है ऐसा कि ये साफ़ कर रही हैं तो हम भी कर देते हैं। तो ये रसोई साफ़ करने वाला वीडियो जो है ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो बन जाता है। तो बस ये साफ़ यहाँ पे अच्छे से कर दिए रगड़ रगड़ के। तो डब्बा जो होता है ना, दो चार डब्बा जैसे खाली होते जाता है वैसे साफ़ करते जाते हैं। इससे होता है ना कि एक दिन ज़्यादा भार नहीं होता है, नहीं तो फिर एक दिन अगर ज़्यादा जमा हो जाता है तो ज़्यादा भार होता है। इससे अच्छा ना कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा कर लेनी चाहिए, 8 दिन पे 15 दिन पे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस ये हमारा चकचका के साफ हो रहा था। और जितने देर में यहाँ साफ करेंगे रसोई, उतने देर में मेरा मेहंदी भी अच्छा सूख गया था। और टाइम लग ही गया था, 2 से 2.5 घंटा लग गया था यहाँ रसोई साफ करने में। और अच्छा खासा झाग भी निकल रहा था उससे, वो जो फ्लोर क्लीनर हम डाले थे ना इसमें, उससे अच्छा खासा झाग निकल रहा था। तो उससे बहुत अच्छा चकचका के साफ भी हो गया। और ये जो सोल्यूशन बनाया ना, जुगाड़ लगाए नींबू का, अगर नींबू का छिलका भी है ना, जो नींबू गारे हैं उसका छिलका, वो छिलका भी रख लेते हैं। और उसके बाद अगर 1-2 नींबू है उसको भी काट के डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा साफ़ होता है। हमारे ही अपने ही हाथ में है कि हम अपने से कैसे साफ़ सफाई करें, कितना करें। और ये देखिए, ये बहुत सुंदर सा एक डब्बा था, तो ये डब्बा हम फेंके नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लकड़ी का है, वो पलाई का है, फ्लेक्सिबल है, उसका ढक्कन अच्छे से आसानी से खुल जाता है। तो इधर पूरा साफ़ हो गया, बस कढ़ाई हम छोड़ दिए हैं। कढ़ाई अब अभी नहीं धोएंगे क्योंकि शाम हो रहा है, 4:30-4:45 हो गए थे। तो 4:30-5:30 हो गया तो स्नान भी करना है, और बाल धो के स्नान करना है। तो ज़्यादा शाम को तो बाल धो के स्नान नहीं करेंगे क्योंकि शाम को बाल नहीं धोना चाहिए। महिलाओं को खासकर इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शाम को बाल नहीं धो के स्नान करना चाहिए। इसीलिए हम कढ़ाई छोड़ दिए और इधर जल्दी जल्दी से हम ये सबको व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद अपने अपने जगह पर रख देते हैं। उसके बाद हम स्नान करेंगे, बाल धोने जाएंगे, और बाल धोने के बाद तुरंत हम दियाबाती भी कर ही लेंगे। लेकिन धूप अच्छा खासा है, तो आजकल तो 5:30-6 बजे तक धूप हल्का फुल्का रहता है, ये 6 बजे तक हल्का फुल्का रहता है, लेकिन अभी 4:30-5:30 हो गए थे। तो बस लगे हाथ, सब पे हाथ फेर ही देते हैं, सब पे अगर हाथ थोड़ा थोड़ा मार दो ना तो थोड़ा थोड़ा सब साफ़ हो जाता है। अगर एक दिन फिर ज़्यादा हो जाता तो ज़्यादा चटचट हो जाता है। और रसोई ऐसा चीज़ है, किचन ऐसा चीज़ है ना कि यहाँ चटचटाहट हो ही जाता है। आप लोग ध्यान देना, 10-15 दिन पर हाथ जब ऐसे छुओगे ना हाथ से, तो वो चट चट करेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सब जगह हाथ हम डाल फेर रहे थे। और यहाँ ना जहाँ जहाँ हाथ नहीं जा रहा था वहाँ वहाँ हम कपड़ा से झटक झटक के साफ़ कर ले रहे थे। तो बस ये सब है, छोटा छोटा सा साफ़ सफाई हमें डेली मतलब रोज़ तो जो करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हट के आज एक दिन टाइम निकाल के कर लेते हैं। और यहाँ फिल्टर भी कर दिए, तब पूरा रसोई चकाचक साफ़ हो गया। और अब हम मिलते हैं आप लोग से स्नान करने के बाद। तो बस स्नान करने के बाद तुरंत दियाबाती भी कर लेंगे। और आज हम साड़ी पहन लिए थे क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर नाइटी में ही दियाबाती करते हैं, लेकिन आज बाज़ार जाना है शाम को तो साड़ी पहन ली। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का भी एंड करने का अब टाइम हो गया है। तो आज का वीडियो आप लोग को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं आप लोग से कल। टाटा बाय, सी यू।